यवतमाल जिले में इन दिनों अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 25 जुलाई को पुसद में इम्तियाज खान की, 30 जुलाई को उमरखेड़ में 20 वर्षीय युवा अक्षय करी की हत्या का खुलासा हुआ था। ऐसे में अब पुसद तहसील के तहत आने वाले बोरी खुर्द गांव में एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता को मौत की घाट उतार दिया है। आइए देखते हैं क्या है मामला। बीते जुलाई महीने में यवतमाल जिले में आत्महत्या और सड़क हादसों की घटनाओं की मानो बाढ़ सी आ गई थी। इतना ही नहीं, जुलाई माह के अंत में जहां पुसद में हमलावरों ने दिन दहाड़े इम्तियाज खान नामक युवक को मौत के घाट उतारा था, वहीं 30 जुलाई को उमरखेड़ के नागपुर तुलजापुर महामार्ग पर 20 वर्षीय अक्षय करे नामक युवक की पत्थर से कुचली हुई लाश बरामद हुई थी। इसके बाद अब एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोरी खुर्द के रहने वाले 50 वर्षीय पुंजाजी हरसुजी दिपके नामक शख्स का रविवार 1 अगस्त को शाम 7 बजे अपने परिजनों के साथ घरेलू विवाद हुआ और इस विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप धारण कर लिया। सूत्रों ने बताया कि पुंजाजी के 15 वर्षीय लड़के ने उनके सर पर लठ मार दी, जिस वजह से पुंजाजी जख्मी हो गया। बाद में उसे निजी अस्पताल में दाखिल किया तो गया, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि विवाद का कारण यह था कि घरेलू वाद विवाद में पुंजाजी ने अपनी शादीशुदा लड़की को ससुराल वापस जाने के लिए कहा था। इस बात पर अड़े रहने से पुंजाजी और घर वालों के बीच विवाद गहराया और पिता के इस रवैये से नाराज हुए उनके बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता पर लाठी चला दी। इस घटना की शिकायत मृतक के रिश्तेदार सीताराम हरसुजी दिपके ने पुसद पुलिस में की है। मालूम हो कि पिता पर लाठी से वार करने वाला बेटा नाबालिग होने से पुसद पुलिस ने पुंजाजी के बेटे को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच पुलिस निरीक्षक दिनेश चंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में जारी है। बहरहाल यवतमाल जिले में जारी आत्महत्या और हत्या का सिलसिला न सिर्फ आपराधिक गतिविधियों में इजाफे की ओर इशारा कर रहा है, बल्कि इन घटनाओं से सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ने और मानवीय समाज में घोर निराशा और नकारात्मकता का फैलाव भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि निश्चित ही चिंता का सबब है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।